बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम। डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम, जैसे पहले भी हमने पढ़ा है, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो है वो नर्वस सिस्टम दो हिस्सों के ऊपर मुश्तमिल होता है। एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आज हमने पढ़ना है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ये दो हिस्सों के ऊपर मुश्तमिल है, एक है ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलके बनता है। इसके आगे ब्रेन की डिवीजन्स हम देख लेते हैं। ब्रेन को हम तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं, जिसमें सबसे पहले इसका हिस्सा है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन फर्दर आगे तीन हिस्सों में डिवाइड है, जिसमें थैलामस, हाइपोथैलामस और सेरिब्रम। मिड ब्रेन क्योंकि स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, इसलिए ये आगे से डिवाइड नहीं है। उसके बाद तीसरा है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में पहला है मेडुला ओब्लॉन्गेटा, सेरिबेलम एंड थर्ड इसमें क्या है, पोन्स। यानी कि ब्रेन जोन्स है वो तीन हिस्सों में तकसीम है। उसके बाद फिर फोर ब्रेन के आगे फर्दर तीन पार्ट्स हैं और हाइंड ब्रेन के फिर आगे तीन पार्ट्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट ब्रेन कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म करता है कौन है, ब्रेन। और ये सूटेबल टू परफॉर्म फंक्शन, कि ये अपने काम जोन से उसको परफॉर्म करने के लिए बिल्कुल क्या है, सूटेबल है, यानी कि ठीक है। उसके बाद सबसे पहले इसकी लोकेशन कि जोन सा ब्रेन है ये कहाँ पर लोकेट होता है। ब्रेन मौजूद होता है बोनी क्रैनियम, यानी कि जोन सी हमारी स्कल है, क्रैनियम कहते हैं सर की हड्डियों को, स्कल की, तो बोनी क्रैनियम के अंदर ये क्या है, मौजूद होता है। उसके बाद है मेनिंजीज। मेनिंजीज को आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। मेनिंजीज जोन सी हैं ये स्कल के बाद तीन लेयर्स आती हैं जो कि ब्रेन को क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं। उसके बाद है वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स ये फ्लूइड फिल्ड वेंट्रिकल्स, यानी कि ये वेंट्रिकल जोन सी हैं, कैनाल्स हैं जो कि क्या करते हैं, ब्रेन के अंदर मौजूद होती हैं और ब्रेन के इंटरनल टिश्यूज़ को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब वेंट्रिकल्स की जोन सी कैनाल्स हैं या सेरिब्रम है या उसके बाद हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड है, इनके अंदर जोन सा फ्लूइड पाया जाता है उसको हम कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्या ये ब्रेन हो गया। उसके बाद है ब्रेन की पहली डिवीजन है, पहला पार्ट है जिसको हम कहते हैं फोर ब्रेन, और ये ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। इसके फर्दर आगे से दो पार्ट्स हैं जिसमें हम कहते हैं, तीन पार्ट्स हैं, दो आज पढ़ते हैं हम, जिसमें कहते हैं पहला है थैलेमस। थैलेमस की लोकेशन बताई है उसने। थैलेमस कहते हैं बिलो सेरिब्रम। सेरिब्रम देखेंगे हम, कहते हैं सेरिब्रम के नीचे जोन सा ये पाया जाता है। उसके बाद कहते हैं कि ये जोन सा थैलेमस है हमारे पास, ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान जोन सा रबता बनाता है, यानी कि इट इज़ अ रिले सेंटर, इन दोनों के दरमियान में रात कनेक्शन प्रोवाइड करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान। उसके बाद कहते हैं इट मॉडिफाई इम्पल्स। ये इम्पल्स जोन सी हैं कि सवाए हमारे नाक के बाकी बॉडी में से जहाँ से भी इम्पल्स आ रही होती हैं उनको ये मॉडिफाई करता है, बताता है कि ये ब्रेन के किस पार्ट के अंदर जानी है। उसके बाद इसका फंक्शन है पेन परसेप्शन, यानी कि ये क्या करता है कि कोई भी दर्द है उसको फील करवाता है, एंड कॉन्शियसनेस, और ये हमें किसी एहसास को, यानी कि कोई भी अगर क्या कहते हैं, अगर हम जाग रहे हैं, सो रहे हैं, तो उसके बारे में भी ये हमें बताता है। उसके बाद सेकंड पार्ट है वो है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जोन से है, पहले इसकी लोकेशन है, इसकी लोकेशन में हम कहते हैं कि ये मौजूद है कहाँ पे, अबव मिड ब्रेन बिलो थैलेमस, यानी कि मिड ब्रेन के ऊपर और थैलेमस के नीचे ये मौजूद होता है। उसके बाद कहते हैं कि इसका जो सा साइज़ है वो, इसका साइज़ कहते हैं कि एक बादाम का जो सा
साइज़ है उसके जितना इसका क्या है साइज़ होता है। देन इसका फंक्शन है, ये इम्पोर्टेंट MCQs भी है कि ये जो सा हमारा हाइपोथैलेमस है ये नर्वस सिस्टम, ठीक है, नर्वस कोऑर्डिनेशन और एंडोक्राइन सिस्टम इन दोनों के दरमियान में कनेक्शन प्रोवाइड करता है, यानी कि इन दोनों के दरमियान में लिंक बनाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कि देखिए ये पिट्यूटरी ग्लैंड की जितनी भी सेक्रीशंस होती हैं उसको भी ये इसने क्या करना होता है, कंट्रोल करना है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि इट आल्सो कंट्रोल रेग, गुस्सा, दर्द और परेशानी, उसको भी इसने क्या करना होता है, कंट्रोल करना होता है।